हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुनील टेक पॉइंट। TCS IOM यानी कि टाटा ट्रेनिंग प्रोग्राम के तरफ से आप सभी लोगों को फ्री कोर्सेस विद सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। साथ ही में इस वीडियो में मैंने सभी क्विज़ के आंसर बताया है, तो इस वीडियो को देखकर आप अपना सर्टिफिकेट ईजिली अचीव कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रोग्राम वेबसाइट ओपन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। TCS IOM की तरफ से TCS मास्टरक्राफ्ट डाटा प्लस ओवरव्यू का ये कोर्स प्रोग्राम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही में इसका बेनिफिट्स भी आपको बताया गया है। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि डेटा प्राइवेसी किस तरीके से किए जाते हैं, डेटा मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है और डेटा क्वालिटी किस तरीके से चेक और मैनेजमेंट किया जाता है। इस तरीके से आपको डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिगनिंग से सिखाया जाएगा। साथ ही में आपको सर्टिफिकेट भी TCS मास्टरक्राफ्ट की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करने पर आप यहां पर कोर्स के डिटेल देख सकते हैं कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स कितने घंटे में ख़त्म हो जाएगा, किस लैंग्वेज में आपको सिखाया जा रहा है। तो ये कोर्स एक सेल्फ पेस्ड कोर्स है, इसे आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो आज ही इस कोर्स को कंप्लीट कर अपना सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स के सिलेबस देख सकते हैं, जो कि सभी मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए सब्सक्राइब नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन सेक्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना कुछ डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपको अपना फुल नेम टाइप करना है, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर टाइप करना है। साथ ही में आपको अपना मोबाइल नंबर वैलिडेट करना है, उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करके आप इस प्रोग्राम में लॉगिन हो सकते हैं। जैसे कि आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आपने सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक किया था तो उस कोर्स का आपको यहाँ पे पॉपअप आ चुके हैं, जिसे लॉन्च पे क्लिक करके आप इस कोर्स को लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही में इसके प्राइवेसी पॉलिसी भी आपको एक्सेप्ट करने होंगे। उसके बाद आपके सामने इस कोर्स के सारे सिलेबस यहाँ पे आ जाएंगे, जिन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। फाइनल में जाके आपको असेसमेंट दिया जाएगा, जिसे आपको कंप्लीट करना कंपलसरी है। सबसे पहला आप यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ डेटा मैनेजमेंट देख सकते हैं, जो कि स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आपको क्लिक करना है और सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। जितने भी मॉड्यूल्स आप कंप्लीट करेंगे सारे मॉड्यूल्स ग्रीन टिक हो जाएंगे। साथ ही में आपको आपका परसेंटेज भी दिया जाएगा कि आपने कितने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। तो इन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करना है, सभी को स्क्रॉल डाउन करना है। साथ ही में कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें आपको आंसर देना होगा और सारे आपके यहाँ पे टिक होते जाएंगे। उसके बाद इस कोर्स के एंड में आपको असेसमेंट दिया गया है, जिसे आपको कंप्लीट करना होगा। तो स्टार्ट टेस्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं, जिनके आंसर आपको देने हैं। और इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर बताया है, जो कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करते हैं तभी आज आकर आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। अदरवाइज़ आप अपना सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 80% ही स्कोर किया है, जो कि इसका पासिंग मार्क्स है। तो अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप फेल हो सकते हैं, इसलिए आपको वीडियो बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना है और सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट टिक करना है, तभी जाकर आपका 80% स्कोर हो पाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करें।
उसके बाद हमारे पास फाइनल क्वेश्चन आ चुका है जिसका आंसर आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने क्विज़ का रिजल्ट आ जाएगा जो कि 80% यहाँ पर मैंने स्कोर किया है। आप भी 80% ही स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको टेक एग्ज़ाम अगेन का ऑप्शन भी दिया गया है जिसपे टिक करके आप दोबारा से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको सेम क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा जिसे आप करेक्ट कर हाई स्कोर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है जिस पे क्लिक करने के बाद कुछ देर बाद आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जहां पे प्रोसीड माय रिजल्ट का ऑप्शन दिया गया है। प्रोसीड माय रिजल्ट पे क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जनरेट हो जाने के बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है जिस पे क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा जिसे आप ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि मेरा सर्टिफिकेट मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आप TCS मास्टरक्राफ्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं। इस सर्टिफिकेट में मेरा नाम भी लिखा गया है, साथ ही में यहाँ पर डायरेक्टर और सब डायरेक्टर का भी सिग्नेचर दिया गया है और डेट भी प्रोवाइड किया गया है जो कि TCS आयोन के तरफ से। इस टाइप का सर्टिफिकेट आप फ्री ऑफ कॉस्ट अचीव कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सो कीप वॉचिंग सुनील टेक पॉइंट।